Maga mai bar le hotam nen. Am tanu majju nahi ho tanu din tar. Udan tar kam aayega. Khana banane ke liye. Khana banane ke liye aayega. Shaadi ghar mein jo nani ghar mein. Matlab do 500 khundiya se. Nani aaj ki bade. Nani ji kalas khundiya. Hasan, ek kasan kasan milan bati jara wa. Daru lag hua hai. हां. और पैर लागुआ चिकन लागुआ हाँ गाइस कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। माय ब्लॉग चैनल SVN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। सो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ से भी जाएंगे हम लोग, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक सुकमा जिला का एक ऐसा गाँव जहाँ पर सदियों से आज भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। आप किस टाइप का मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है और कैसे उसको सजाया जाता है और कितने दिन के बाद क्या क्या जाता है उसको वहाँ पर जाके पूछेंगे और बताते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं तो आप गाइस वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं भाई सुखमन भैया के साथ। गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं कोकावाड़ा के लिए जो कि सुकमा जिला छिंदगढ़ ब्लॉक और ग्राम पंचायत कोकावाड़ा पारा कुमार पारा वहीं पर पूरा कुमारों की बस्ती है। आप लोगों को वहीं जाके दिखाएंगे। गाइस ये गोपनपाल गांव है जो कि ग्राम पंचायत सरनघाट के अंतर्गत में आता है। आप देख सकते हो हम लोग उसी के रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं। ये गोपनपाल है। गाइस अभी पहुंच चुके हैं मांझीडी। आप देख सकते हो स्कूल है मांझीडी का जो कि ग्राम पंचायत कोटरीपाल के अंतर्गत आता है ये मांझीडी। यहाँ पर दुर्गा जनजाति के लोग निवास करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ खूबसूरत रंगमंच बना हुआ है। देख सकते हो इधर थोड़ा सा रोड खराब है, इसी रास्ते से होकर हम लोगों को कोखावाड़ा पहुँचना है भाई। ये अपना शॉर्टकट रास्ता है। देखिए यहाँ का नज़ारा देखने लायक बनता है। गाइस ये आप देख सकते हैं छिंगारा से जो कि ग्राम पंचायत कोटरीपाल के अंतर्गत आता है ये भी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बारू नदी है जिसको जीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इधर ऊपर सो तोंगफाल साइड में इधर देख सकते हो बहुत ही बड़ा नदी है। हम लोग यहाँ पर बाइक से पार करके जाएंगे कोकावाड़ा की और लगभग पहुँच ही चुके हैं कोकावाड़ा। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ से कोकावाड़ा स्टार्ट होता है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर खूबसूरत सा तालाब है जो कि इधर पानी निकल जाता है बरसात के दिनों में। और ये देख सकते हो यहाँ पर पानी के ऊपर में चारों ओर कमल के फूल खिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मछलियों को पकड़ने का काम मार्च अप्रैल जून तक किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर बगल में और एक पानी निकासी जल गेट बना हुआ है देख सकते हो इधर। और यहाँ पर मंदिर भी है, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ हर वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। देख सकते हो यहाँ का तालाब का नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। अभी हम लोग कोकावाड़ा पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हो पूरा कोकावाड़ा की बस्ती है। गाइस हम लोग अभी और कुमारपारा की ओर जाएंगे। गाइस वीडियो में बने रहें। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुमारपारा में। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राम पंचायत कोकावाड़ा का भी यहाँ खूबसूरत सा गोठान बना हुआ है। इधर देख सकते हो साइड में गाइस अभी एक भाई साहब के यहाँ बाइक करा करके हम लोग जाके पूछेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है? रामदेव चक्रधारी। ऐसा
देख सकते हो बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही इन लोग सदियों से काम करते आ रहे हैं भाई। बॉस नहीं आया। रामधर चक्रधार चक्रधारी भैया देखिए बना रहे हैं हंडी को, ये कितना में बेचते हो बाजार में ले जाके? इसको अच्छा तक 70 रुपए बेचता हूँ। 70 रुपए ने? सबका अलग अलग रेट है ने? अलग रेट है। वो जो दिख रहा है ऊपर में उसको कितना? 20 है वाला, 20 रुपया है। सब प्रकार के हंडी बनाते हो आप? सब 10 वाला, 20 वाला, 15 वाला, 30, इससे बड़ा वाला भी हंडी बनाते हो? इस प्रकार से घुमाया जाता है और ये काम कर रहे हैं अभी, इसको हंडी का रूप दे देंगे लास्ट में, बड़ा ही अंडी बनेगा ना भैया? हाँ बड़ा, 100 रुपए वाला बनेगा। तो कैसे करके बनाते, थोड़ा सा नमूना दिखाएंगे? तो देखो करते हैं, मिट्टी को मिलाते हैं, इसको छानते हैं, तभी होता है, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसा बनाते हैं मिट्टी को, ऐसा निकट मेहनत लगता है, ऐसा बनाना है, मिलना है मिट्टी। आप लोग कैसे सीखे हो बनाने के लिए? बनाने के लिए हम लोग आम सा मन से हम लोग सीखे हैं, कोई नहीं सिखाता इसको। ऐसा आपका आपका अनुसार है, आपका जो निष्ठार है वो काम करना पड़ता है। ऐसा बढ़िया कर रहा है भैया। बाजार में रोज मार्केट ले जाते हो? हर बाजार? हाँ हर बाजार जाते हैं। कहाँ कहाँ बेचने ले जाते हो आप लोग? पुष्पाल, पुष्पाल और लेदा, तीनी बाजार? तीनी बाजार है। ऐसा सप्ताह में कितना हंडी बना लेते हो? सप्ताह में बनता है मतलब मान के चलो 1000 रुपए तक बन जाता है। 1000 रुपए? नहीं नहीं, हंडी अंडा बनेगा, छोटे मोटे होने से 100 से पार होगा। ऐसा बिकने के ऊपर है ने? आजकल मार्केट में भी तो बहुत सारा बर्तन बनाया हुआ है ने, उसके चलते ये वाला कम बिकता है, कम बेचनी हो रहा है। सबसे पहले ज्यादा बेच लेता अभी, बेचने के लिए कम है अभी। क्या क्या बर्तन बना चुका है ना मार्केट में? पूरा मार्केट में बर्तन बढ़ गया है, उसी लिए थोड़ा हमारे लोग का थोड़ा हंडी कम बिकता है, कम बिकते हैं। फिर भी गाँव वाले ले जाते ही है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं होगा। ये देख सकते हो, चक्रधारी भैया बना के दिखाएंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। अभी छोटा वाला बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप लोगों के भाषा में चक्रधारी मतलब चक्र है, चक्र है ना, विष्णु भगवान का चक्र है, चक्र है, चक्रधारी विष्णु जी का चक्र है बोलते हैं। इसी को हम लोग, इसी में हम लोग हंडी बनाते हैं, तभी से इनका नाम भी चक्रधारी इनको बोला जाता है, बोला जाता है। जगह कम पड़ ली ने, देख सकते हो इधर इस प्रकार से बनाया जाता है, मिट्टी को थोड़ा गीला कर करके देखो ये। मिट्टी को रात में ले जाकर बिगाया जाता है भैया ने? मिट्टी को वहाँ से जाके पुराना पड़ता है, वहाँ से डिंडा बना के यहाँ लाते हैं, कूदते हैं, 2-3 बार करते हैं, तब भी होता है, नहीं तो नहीं होता है। मिट्टी बराबर बनने से नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत मेहनत लगता है नहीं? अरे ये भी कट मेहनत है, अभी कैसा चढ़ा रहा हूँ देखो, इतना कितना ताकत में चढ़ रहा है, पूरा दबाना पड़ता है जोर से। अरे कान पूरा दे रहा है, मेहनत बिना तो कहीं काम नहीं है। ये तो है मतलब, ये तो चक्री मिलता है सरकार से, वाला हमको नहीं मिला है अभी। हाँ हाँ, वो मिले तो ठीक है, चरा वाला। हाँ सरकार से भी मिलता है ने? मिलता है, लेकिन यहाँ पर किसी को मिला है आप लोग? मिला है, 2-3 घर में मिला है। ऐसा इसके लिए कुछ करना पड़ता होगा ना, आप लोग नहीं किए होंगे? किए ना, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। रायपुर से हम लोग किया हूँ पूरा, हम लोग कुमार लोग का जितना भी खाद भी बना है, ऐसा में आएगा होगा ने? हाँ कुछ भी काम तो जल्दी नहीं होता है, नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। ये देख सकते हो इस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए बहुत जोर से मिट्टी को दबाया जाता है, देखिए ताकत में बनो है ना। भाई साहब बता रहे हैं खूब ताकत लगता है मैंने इसमें, देखो ना कैसे ताकत, थोड़ा पानी लेके आना भाई। वो चर्रा वाला इतना ताकत नहीं करेगा, चर्रा वाला नहीं डोलता वो, मतलब बराबर की लगता है, ये तो डोलेगा इधर। आप लोग जन्म दादा से ऐसी बनाते आ रहे हैं? ऐसी बनाते रहे नाती पंती सब। हाँ अब जितना भी पीढ़ी आप लोगों का हो उसके बाद आप लोग ऐसी करते आ रहे हो, आगे भी ऐसी जारी रहेगा? दादा का यार तो कुमार लोग को परेशान है, मिट्टी दोनों चले दे।
ये कितना बड़ा बनेगा दादा? अभी बढ़ेगा, अभी जितना बड़ा है उतना ही बनेगा बड़ा है। तो देखते हैं अभी बन जाएगा। नाड़ी का नमूना मतलब तुम लोग बड़ा कीजिए ना, इसको मरकट बनाओ, माने ये मत बनाने वाला है मड़का। वैसे मिट्टी को हाथ में दबाना पड़ता है ना? दबाना पड़ता है, ताकत लगता है ना बहुत। बहुत मेहनत है। मिट्टी को भी तो खरीदना पड़ता है। इसको भी खरीद के लाते हो? नहीं तो फिर जमीन वाला नहीं दे रहे हम लोग को। कितना लेता है, साल का कि महीना? साल का लेगा वो, उन लोग को नहीं दे रहा हूँ पटवारी। साल का कितना देते हो? साल में आदमी को पड़ेगा 1000 रुपए तक पड़ेगा। पर यानी कि हर साल ने 1000 रुपए देना पड़ेगा? हर साल में 50,000 रुपया हम लोग को जो जमीन है उसको निकालने मतलब। आप लोगों को रसीद हो गया? आप लोगों को रसीद वगैरह मिलता होगा? नहीं मिला, इस साल पटाना पड़ता है मैंने। अगले साल छूटता, इस साल से पटाना पटाना पड़ता है मिट्टी का भी। क्या करेंगे हम लोग को, ये जिंदगी तो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ता है। हम लोग का जीवन नहीं है ने। हम तो दारू लगे कुछ नहीं बनाते, हम लोग का धंधा भी नहीं है, हम लोग का धंधा ही है। एक दिन में कितना टन बना लेते हो आप? एक दिन में 5 ठो बनेगा ऐसा, मतलब 50-60 वाला। कितना घंटा में? मतलब वही सवेरे हम लोग 8 बजे से काम लगेंगे, 12 बजे 12 बजे तक तो मतलब 5 ठो बनेगा, लेकिन ज्यादा भी बनेगा, छोटे मोटे बनाने से। मतलब एक दिन हमको रोजी बन रहा है मतलब 250-300 रुपए बनेगा। देख सकते हो ये पूरा बना हुआ है चिकना से, देखिए चिकन पड़ जाएगा। इसको बना रहे हैं भाई साहब लोग, देखिए इस प्रकार से पूरा चक्री को घुमाया जाता है। ये मार्केट में लगभग 60-70 रुपए में बिकता है, देखिए इसकी ऊंचाई इतना बना है। देते थे घर से, मतलब फायदा होता है इन लोग का। ये देख सकते हो इधर चिन्ना वगैरह कहीं पर बनाते हो? सुबह जाएगा थोड़ा ऐसे मिट्टी को निकालना पड़ेगा, गीला वाला को फेंकना पड़ेगा। यहाँ से इसको पीटना पड़ेगा अभी। यहाँ से इधर मतलब पीटेंगे, मन बनाने वाला अंडी है, पानी रखने का भी काम आता है, मतलब सब के लिए काम आएगा। खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी आएगा, शादी घर में जो नानी घर में मतलब 2-3 पहले यहाँ पर पकेगा। अभी तो बर्तन हो गया, नहीं तो सबसे पहले कुमार का अंडी था, अंडी में बना के खाना खाते था। अभी भी हमारे यहाँ ऐसी करते है, गजीब बर्तन है लेकिन हम लोग का स्वाद ही अलग लगता है, अलग लगता है। सब बन गए भाई साहब, फिर पेटने से सीधा हो जाएगा। इसको सुबह के पेटते हो? हाँ बतरने से जो टाइट हुआ ना ऐसे करता है। बन गए भाई साहब, इसको भी काटना पड़ेगा सुतरी से, नीचे से नीचे काटना पड़ेगा। थोड़ा दिखाएंगे भैया पूरा आइटम ऐसा काटना पड़ेगा इसको। अब निकलेगा यहीं पर सूखेगा? नहीं नहीं वहाँ बाहर निकालेंगे इसको। पत्ता लेके पत्ता में उतारना पड़ेगा तो चिकला होता है बाद में। हाथ से नहीं दबता इधर? नहीं दबेगा, हम लोग का दिमाग है ना इसे उठाएंगे। बढ़िया ना, ऐसा पकड़ के फिर हमको वहाँ पर ले जाना। थोड़ा तेज नहीं सुखो फिर हम लोग पीटेंगे, मतलब छोटा वाला बड़ा बनेगा अभी। अभी पीट पीट के छूट हो जाएगा पूरा, हाँ उसको हम लोग छूटेंगे और उसके बाद फिर बड़ा बन जाएगा ऐसा। पीट पीट के पूरा नीचे बैठ जाएगा ना? बैठ जाएगा और उसके बाद वो उसका अंडी बनाएंगे, बस अंडी बन जाएगा जैसा अंडी का। हाँ ये देखिए गाइस इस प्रकार से अंडी बनाया जाता है। कुमकार का निस्तार है, ऐसे बनाते हम लोग, ऐसे लोंडी पेटनम पेटते हैं। मिट्टी कहाँ से लाते हो भैया? मिट्टी को कावड़ा तरी नीचे है गुड़ी के पास में। किस टाइप का मिट्टी है? तो मिट्टी को लाना है, उसको छानबीन करना है,
बहुत दंड है मिट्टी का, रेती लाना, रेती से उसका खून न पड़ता है, चांद बीन करना है, पूरा रेती गोटी जड़ पूरा निकालना है तभी हंडी बनता है। चलो भैया इतना बताने के लिए धन्यवाद। अच्छा ठीक है, तुलाराम ये तुलाराम भाई साहब भी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा कुमारों की बस्ती है, यहाँ पर हर घर में जाओगे ना आप लोगों को ऐसे ही काम करते हुए नजर आएंगे, रात दिन मेहनत करके इस प्रकार काम करते हैं इन लोग। क्या वाला रखते हो? पत्थर। पत्थर वो क्या का पत्थर है? ऐसे हाथ से बनाए हो? हाँ वो वाला हाथ से कर, ये वाला लकड़ी का है ना? और कैसे मारते हैं थोड़ा दिखाएंगे भैया? इसको ऐसे मारने पड़ता है। थोड़ा मिट्टी गीला करके ने। आज कितना टन बनाए दादा? सात बनाए ने। अभी शाम डलने को है और कितना बनेगा? इतना है तो है। आज का एक दिन में सात बना लेते हो? आप लोग का औजार पूरा बिका हो ना? क्या क्या नाम बोलते हैं इन लोगों को, क्या क्या नाम बोलते हैं वाला लकड़ी मन को? ये पेटना बोलते हैं इसको, मतलब बतर बतर बड़े पिटी, मतलब सबसे पहले बड़ा को मारना है। ये देख सकते हो इतना सब ये पेटना बोलते हैं इसको, बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए इतना सारा लकड़ी मन बनाया गया है भाई साहब ने, देख सकते हो यहाँ पर इसको इस प्रकार से काम किया जाता है। ठीक है दादा, इतना संगत का जय। राम राम ना। राम राम। ये बड़ा राम राम दादा। राम राम। गाइस हम लोग अभी आए हैं कुमारपारा में, आप देख सकते हो यहाँ पर चारों ओर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है क्योंकि हर घर में यहाँ पर अंडे बना के अंडियों को जलाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कल मार्केट ले जाने के लिए तो हम लोग यहाँ एक और भाई साहब के यहाँ जाके देखते हैं। यहाँ पर अंकल हैं जो कि अंडियों को रच रहे हैं जलाने के लिए। तुझ नाम का है था? लक्ष्मण चक्रधारी। हाँ सर, एक ऐसा नहीं रच हुआ ने? हाँ सर। ये कहाँ है लकड़ी है? ये सरगी। सरगी भी थी सर, ये जार जो सूखा सूखा के अंतर। ये भी तो पूरा बन तैयार होली से। ओ ये रे तो काचा आता। मैंने जरा ला पाड़ गुती पूरा बनन तैयार है देने। कौन कौन आए तो? उन नाम से मिसेस से। हां दोनों संग करवा। संग करो से पूरा फैमिली, यानी कि पूरा फैमिली करवा सो तीन। फैमिली करवा। हां पूरा हफ्ता दिन भर उन्हीं से काम। उन्हीं से काम है ने। खूब मेहनत लागो है दादी ने। हां खूब मेहनत है। माटी के जन के रोटी बना लसन बनात रहे। हां आटा के जन बना हत रोटी बना का इन्हीं प्रकार से माटी बना ल में हांडी बने। हां हां काय करवा सुन कर तो पड़े दे से। ये भी एक पूरा रचन बात है, खा करवा से ये ऊपर पैरा लगाऊं दे। हां पैरा लगाने जो ऊपर पर चिकल के लगाऊं दे। हां चिकल लगाने खा ले एक दरा। हां एक दरा से ने मुझे बात पूरा पके दे आराम से। ये कितना घंटा लगवे पक तो का रे? रात भर बाबू। हां सर रात भर ने पूरा पक जाए दे। खाली दे सुबह होते होते पूरा ठंडा हो दे। ठंडा हो दे। माने की केबले बना साते काम? ये तो हमचे दादा परदादा बनाती लगी पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी ही चले चले। हां तुम इतलो उमर होली इस पर बोले बनाओ बना काय करो जितना दिन आपलो ताकत चले दे उतना दिन तक बनत पड़े। लगभग तो उमर कितलो होली दादा? ये बे 60 ले मगे तो उतलो मालूम नहीं है 60 ले पार हो। हां 60-65 लगभग ने। हां हां काम करतो लोग मन बेटा बोरिया तीन ठन नातिया उनमन बोले ही काम करवा नहीं बाकी समिया बेरा करवा और नहीं को की नौकरी वगैरह नहीं लगले से। नहीं 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 स्कूल नहीं पटालास का पिला नहीं पिला मन ने बे गोटो 11वीं मास है। बड़े बीती और ये मंजला मतनाती उन 9वीं मास है। हां हां और नानी बीता 5वीं मास है। हां बेटा 10वीं पास करन बाद ही घर आया। घर आया से ने बिया भी ओ लियो हां जोन पढ़ सत नहीं उनमन के अच्छा पढ़ा उनके आगे छ जीवन आखने के बदलो ने इतलो संग तो का राम राम ना दादा। उमा शंकर चक्रधारी। ऐसा हां ये तो कितलो अंडिया से? ये तो 500 अंडिया से। 500 कुंडिया से। नानी आज की बड़े आज की कलस कुंडिया। ऐसा एक कसम कसम मिलन बत जरा वा दारू लागवा है। हां और पैर लागवा चिकन लागवा पांडन रंग सब पेंटिंग करतरा। ऐसा ए मिट्टी एक आज लिपत के धुआं नहीं निकरो बोलन कसम? धुआं निकरवा है ता। ऐसा और हांडी पक तो काज में लिपत बितिया। हां हां अने के बट मर गैस नहीं करे तो नहीं पके ने? हां नहीं पके। हां
इता गुलाले अच्छा बनान भाती दसतरा हां और कलर होय दे हां माटी चो लाल होतले जरा लाल होतले हां उनचा बाद में निगरान बात बाजार मन न तरह हां तबे चारा ना बिकु कोय दे ये कितले दिन काय एक दिन च बनाले बीती है कि दो तीन दिन च एक हफ्ता च एक हफ्ता च असे ने आसान काली काट नहीं आसे हां आज में तरह बाकी कलर्स कौन दिया हां इता मंदिर ने हम स्थापना कर सकता है 18 तारीख के हां तो कलश कुंडी दिया हां सफाया से हां 500 कुंडिया से हां रहता पूरा ने हां ए कितने दिन ले काते बोलो कितने घंटा ले पकवा सांझ के 7-8 बजे पूरा पके दे 7-8 बजे के ज्यादा 2-3 घंटे लागो है ने 2-3 घंटा हां बेटा आई गया लात्रा हां आई कर आई कौन बार ले जलावा जलान रेट किनारे किनारे एक जलात रहा उनके बोल जलन दका से आई जलान दे दे दुआ का निकरे दे दक्षिण वास्तु में लिपुन सार ले पटाई करें रेट रेट जलात रहा बेटा माचिस तुम्हारे बे माचिस तुम्हारे दुआ में जरा मारे दे जल्दी और चले दोनों को जितन रुवा नहीं उसन करन बात है पैरा में किन रात्रा बाकी डरते हसन बनान जला रहा है ये दुआ गुला का तो से जा दे आई जरे दे ये तो भी तो पूरा पाके दे रात भर ने 7-8 बजे बजे बड़ू ये बड़ तक ना विकट मेहनत लगो है दादी ने दे ये बीकलो ने कितलो छो है दे ये तो बीकलो में 1500 छो से ऐसा लेकिन मेहनत खूब है हां महीना मेहनत तो काई च नहीं होए ने हां गोटक राम तो दारू गोटक राम तो रंग सफा अलग अलग तो नंदी च रहती हां कितलो मिलान सानु कोड़वा सानु बात ये के मिट्टी चकला बना पड़े दे चूल्हा ती कोंडी भूची दिया सब पसंद करूं जलाऊं मामी अमी ये भी आराम से धरे देने ये भी आराम से धरे दे फिर दिन आए चल कर तो लोग मां हां ये तो जल दीदा क्लास का हां देख लो पसंद करूं जलाऊं मामी हां हां अरे एक इस पर काल के बयान नहीं करान बाती बाजार ने वहाँ और एक बिक्री कर वहाँ बाकी कलश भी तावन नहीं थे बाकी आठ बाजार ने लेंगे बाजार में नीला ने खाए पूरा कर बिक्री हुआ है बिक्री हुआ है ऐसा 5 रुपया 10 रुपया गोटक बोल नहीं बाचे गोटक बोल नहीं बाचे बिक्री वाली जाले पर लोन मेरी दरों ने तोरा तुकले तो आम चो जी कितलो आठ करवा दादा एक सप्ताह ने एक सप्ताह चो भूल भे 1500 चो नो है नो है आने की कितना नाट करवा सो बोले हम गोट की आट करवा अच्छा पुष्पाल भी पुष्पाल भी थी और दूसरा आट बाट नहीं दूसरा आट गेलम ले दा जाऊं कौन कौन जाओ आता हूं पाला गेरा हम उन बाट नहीं जाऊं अगर ज्यादा तुझे तने आंडी अगर बनन रोलो ने उन बाट नहीं ज्यादा वाला में आटा टीन भरन ने वहां हां अरबी को हां चलो दादा इतलो संग तो काजे धन्यवाद राम 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 देख सकते हो भैया इस प्रकार से यहां पर आंडियों को इकट्ठा करके जलाया जा रहा है आप लोग देख रहे हो ये पूरा हंडियों को इकट्ठा करके जलाया जा रहा है देख सकते हो इतना कौन पसीना एक करके यहाँ पर बनाया जा रहा है गाइस इधर पूरा देख रहे हो पूरा कुमारों की बस्ती इधर आप लोग देख सकते हो गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो आप लोगों को कैसे लगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम बाय।